जुनैद, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी रेसिपी में बनाने जा रहे हैं तवा कलेजी। बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले हम बिना टाइम जाए के चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में चाहिए होगा लेमन जूस ले लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली है, काले मिर्च ले लिए, हल्दी पाउडर लिया है, गर्म मसाला ले लिया है, सूखे धनिया का पाउडर ले लिया है, सॉल्ट ले लिया है, रेड लाल मिर्च ले लिए, चिली फ्लेक्स ले लिए और कलेजी ले लिए, चिकन कलेजी ले लिए हमने। इस तरह से मैंने कट कर लिए। टेम्परेचर आ चुका है, अब हमने जो कलेजी कट कर ली थी पैन के अंदर डाल देंगे बहुत ही ख्याल से। इसको हम कुक करेंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि नीचे चिपक ना जाए। हमने बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ था, अब हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है। इसको कुक होने तक हम जो इसका कलर जो वाइट वाइट सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे, तब तक हम इसे इसी तरह फ्राई करेंगे। यह हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कलेजी ने पानी छोड़ दिया, इसके पानी ड्राई होने तक हम कोई भी मसाला वगैरह नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से कुक करेंगे। ठीक है, यह हमारा पानी ड्राई हो चुका, बस थोड़ा सा पानी रह गया, इसके अंदर हम सारे मसाला जात वगैरह ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर कलेजी और मसाला जात का टेस्ट अच्छे से चले जाए। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं ऑल स्पाइसेस, रेड चिली एंड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया हमने, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला ऐड कर दिया, ब्लैक पेपर एंड हल्दी ऐड कर दी इसमें, और ये हमने ग्रीन कोरिएंडर एंड चिली चॉप ऐड कर दी। मिक्स करेंगे अच्छे से, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सारे स्पाइसेस कलेजी में। तो देखिए हमने सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अभी थोड़ा और फ्राई हो जाएंगे तो और मज़े की खुशबू आएगी। तो देखिए हमने सॉल्ट और जो लेमन जूस है वो अभी ऐड नहीं किया, वो जब हमारे मसाले वगैरह बिल्कुल से फ्राई हो जाएंगे फिर ऐड करेंगे हम सॉल्ट। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस ऐड कर देंगे चला के, मिक्स वेल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फाइनली हमारी हो चुकी है तवा कलेजी तैयार, बहुत ही मज़े की, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए ये हमारी तवा कलेजी हो चुकी है रेडी, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत स्पाइसी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।